जय श्री राम फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो साउथ की पांच जंगल पर आधारित पांच बेहतरीन मूवीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। सभी मूवीज़ का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी मूवीज़ आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों वीडियो में टाइम न गवाते हुए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको सभी मूवीज़ का डाउनलोड लिंक और नई नई मूवी मिल जाएंगी। दोस्तों आप जो है हमारे चैनल पर नए, अभी हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। अब वीडियो में टाइम ना गवाते हुए हम हमारी जो नंबर पाँच की मूवी है उस मूवी की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों नंबर पाँच की मूवी है, उस मूवी का नाम है ग्रीथम। यह मूवी 2016 में आई थी। इस मूवी के रिव्यू में आपको देखने को मिल जाएंगे श्रीकांत और भी कहीं आदर्श। दोस्तों इस मूवी को IMDb की तरफ से कोई भी रेटिंग नहीं मिली है दोस्तों, लेकिन यह मूवी अच्छी है। जो आपने नहीं देखी है, मिस की है, तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो दोस्तों वीडियो में टाइम ना गवाते हुए हम आगे बढ़ेंगे जो हमारी नंबर चार की मूवी है। दोस्तों जो नंबर चार की मूवी है उस मूवी का नाम है संजीवनी। दोस्तों ये मूवी 2018 में आई थी। दोस्तों इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इस मूवी के IMDb रेटिंग है 2.4 ऑफ टॉप 10 और इस मूवी के रिव्यू में आपको अनुराग और भी कहीं आदर्श देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि एक पौधा होता है जिसको खा के वो लोग अमर हो जाते हैं, तो सब उस पौधे की खोज में निकलते हैं और वहाँ पर उनको बड़े बड़े जानवरों से सामना हो जाता है। दोस्तों ये मूवी देखने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब हम वीडियो में टाइम ना गवाते हुए आगे बढ़ेंगे जो हमारी नंबर तीन की मूवी है। दोस्तों नंबर तीन की मूवी, उस मूवी का नाम है कदामबन। ये मूवी 2017 में आई थी। दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 ऑफ टॉप 10। दोस्तों इस मूवी के रिव्यू में आपको आर्या और भी कहीं आदर्श देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस मूवी की कुछ स्टोरी कुछ ऐसी है कि दोस्तों बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले आते हैं, जंगल को नष्ट करते हैं अपने उद्योग के लिए, लेकिन ये कदामबन होता है वो अपने जंगल को बचाता है। दोस्तों मैं स्टोरी बहुत ही ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा उस लिए। तो वीडियो में हम टाइम ना गवाते हुए आगे बढ़ते हमारी जो नंबर दो की मूवी है। दोस्तों जो नंबर दो की मूवी है उस मूवी का नाम है टार्जन द हेमन। ये मूवी 2017 में आई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5 अप टॉप 10, जो बेहतरीन IMDb रेटिंग मानी जाती है। दोस्तों इस मूवी के रिव्यू में आपको जयराम और भी कहीं आदर्श देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस मूवी की कुछ स्टोरी इस तरह है कि एक अमीर बाप की लड़की होती है जो जंगल में आ जाती है और उसकी मुलाकात एक आदिवासी से हो जाती है और उसको उसके साथ रहने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए उसका बाप उसको ढूंढने को निकलता है। मैं स्टोरी आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका मजाक नहीं आएगा जो ज़्यादा सुनेंगे। तो नंबर वन की मूवी के बारे में बात करते हैं। नंबर वन की मूवी है शेर का शिकार। ये मूवी 2016 में आई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 अप टॉप 10, जो एक बेहतरीन IMDb रेटिंग मानी जाती है। दोस्तों इस मूवी के रिटर्न में आपको देखने को मिल जाएंगे मोहनलाल और भी कहीं आदर्श एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस मूवी को 77% गूगल यूजर ने लाइक किया था। दोस्तों ये मूवी बेस्ट है, आपने इस मूवी को नहीं देखा, मिस किया है, तो आप ये मूवी अभी जाके देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और ऐसे मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में।